हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम सिलेक्ट क्वेरी के बारे में और पढ़ेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम यहां पे एस्टेरिक साइन यूज कर रहे थे जो कि सभी के सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा था। वो मीन्स वो इस टेबल के सभी कॉलम्स को एक ही बार में सिलेक्ट कर रहा था। सपोज फ्रेंड्स आप इस टेबल में खाली एक या दो कॉलम्स या तीन कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मीन्स आप कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड, और हमने यहाँ से स्टार से सिलेक्ट करके खाली नेम को प्रिंट किया। सपोज यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिलेक्ट नेम, मीन्स उस स्पेसिफिक कॉलम का नाम जिसको कि मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये वो कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं एक से ज्यादा कॉलम को भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं करूंगा उस कॉलम का नाम कॉमा ईमेल, मींस मैंने नेम और ईमेल दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे ईमेल को भी प्रिंट कर सकता हूँ। रिजल्ट ईमेल, यहाँ पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे ऋषभ और देन उसकी ईमेल, नमित उसकी ईमेल। मींस इस तरह से आप स्पेसिफिक कॉलम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर अब आपके जहन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे एस्टेरिक साइन यूज करके एक ही बार में सभी कॉलम को सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं इन स्पेसिफिक कॉलम्स के नाम क्यों लिखूं? फ्रेंड्स इसका मेन पर्पस ये है, इसको मेन यूज करने का मेन पर्पस ये है। सपोज आपके पास एक डाटाबेस टेबल है जिसमें कि 20 कॉलम्स हैं और खाली आप उसमें से एक कॉलम को एक्सेस करना चाहते हो, मींस आप खाली एक कॉलम के डाटा की जरूरत है, तो अगर आप उसमें एस्टेरिक साइन यूज करोगे तो वो सभी के सभी कॉलम को सिलेक्ट करेगा। मींस ये आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा, मींस उसने एक ही बार में 20 कॉलम्स को सिलेक्ट किया, तो अगर आप उसका स्पेसिफिक और दूसरी तरफ अगर आप स्पेसिफिक नेम यूज करोगे तो वो एक ही कॉलम को सिलेक्ट करेगा। मींस अगर मैं यहाँ पे जैसे स्टार यूज किया मैंने, तो ये सभी के सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करेगा, चाहे हम जितने मर्जी चाहे हम उनमें से कुछ वैल्यू ही प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्ट तो ये सभी कॉलम को कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम स्पेसिफिक कॉलम्स का नाम लिखेंगे तो ये खाली उन कॉलम्स को ही सिलेक्ट करेगा, मीन ये आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स हम ब्राउजर में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो डाटा प्रिंट किया है वो 6 रोज को रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 रोज है, 1 2 3 4 5 6, मींस ये सभी की सभी रोज को रिटर्न कर रहा है। लेकिन आप इसको लिमिट लगाना चाहते हैं कि मींस ये एक रो ही रिटर्न करे या दो रो रिटर्न करे या 5 रोज रिटर्न करे, तो हम इस क्वेरी के थ्रू मींस इस क्वेरी की मदद से यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कॉलम सेम जो हमने सिलेक्ट किए हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स रिकॉर्ड जो कि टेबल का नाम है, उसके बाद हम लिखेंगे स्पेस लिमिट और देन स्पेस, आप कितनी लिमिट लगाना चाहते हैं। सपोज यहाँ पे मैं 1 करता हूँ तो ये एक रो ही को ही सिलेक्ट करेगा, तो आप देखेंगे एक रो को सिलेक्ट किया। अगर अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये 2 रोज को सिलेक्ट करेगा, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो ये 5 रोज को सिलेक्ट करेगा। मीन्स इस तरह से आप लिमिट लगा सकते हैं सिलेक्ट क्वेरी पे कि वो कितनी रोज को सिलेक्ट करे। तो फ्रेंड्स ये था सिलेक्ट क्वेरी के बारे में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सिलेक्ट क्वेरी के बारे में और बात करेंगे, मींस हम सिलेक्ट क्वेरी में वेयर क्लोज करेंगे जिसके थ्रू हम सिलेक्ट क्वेरी पे कंडीशंस लगा सकते हैं, और उसके बाद हम सिलेक्ट क्वेरी में ऑर्डर बाय क्लोज करेंगे जिसके थ्रू कि हम जो डाटा है उसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था सिलेक्ट क्वेरी के बारे में। मेरे वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलते रहें। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।